करीना, आपके दादाजी द लेजेंडरी राज कपूर साहब के बारे में हमने सुना है कि एक कमरे में ना वो, उनको आम का बड़ा शौक था, आम खाने का, तो जिस कमरे में आम रख देते थे उसमें किसी को जाने नहीं देते थे। पर आप तो उनकी पोती हैं, आपने कभी खाए उनके आम? हम आम चुराने की कोशिश करते थे बट कभी मिला नहीं, बिकॉज ही यूज्ड टू कीप देम सो सिक्योर, बचा बचा के किसी कबड़ में रख के, कबड़ का बंद करके चाबी उनके पास रखते थे। अच्छा। बट ही यूज्ड टू ऑलवेज गिव करिश्मा, क्योंकि करिश्मा वॉज हिज फेवरेट ग्रैंड चाइल्ड, तो जब भी लोलो उनसे आम मांगती थी तो he used to always say लो बेटा लो लो लो, and उसमें से I used to try and get one and sit behind the झूला and try and eat. तभी उनका नाम लो लो पड़ा। दिलजीत पाजी, पिछली बार आपने कुछ फिल्मों के नाम इंग्लिश में बताए थे, पब्लिक में डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो इस बार उन्होंने कहा है कि कुछ सब्जियां हैं तो उनके नाम आपको इंग्लिश में बताने हैं। तो मैं सब्जियों के नाम आपके सामने ले रहा हूँ। करेला, करेले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? करेला ही लिखते हैं इंग्लिश में? नहीं, K E R A L A। वो तो करेला हो गया। अच्छा, क्या अच्छा करेला हो गया। पाजी क्या होता है करेले की इंग्लिश यार, आप बता दो। मैं नहीं पता। बिटर गॉड। तो हाँ, क्या क्या बताया था? बिटर गॉड, बिटर सब्जी, बिटर गॉड, बिटर सब्जी, बिटर। ओके, सो इन दिलजीत वर्ड ये हो गया बिटर सब्जी। एपिसोड के एंड में पूछ लेगा तो भी भूल जाएगा। भाई चीकू, चीकू इंग्लिश नहीं है। चीकू इज चीकू भाई। अब बताओ, देखा वो पढ़ी लिखी हमारी, चीकू नहीं पता तो नहीं पता, कई बार नहीं आदमी ध्यान देता। लिव इट, चीकू चीकू महंगे बड़े, छोड़ बड़ा। चलो आगे। आड़ू, आड़ू क्या होता है? स्वीट पोटैटो। आपको आड़ू नहीं पता करीना? इनको तो भाई आड़ू हिंदी में भी नहीं पता, हमें इंग्लिश में कहाँ पता होगा। पीच गाइस, पीच इज नॉट आड़ू, पीच, पीच, आड़ू इज नॉट पीच। लिसन यू इलिटरेट गाइस, इट्स पीच, पीच। ओके लास्ट, लॉकी, बॉटल गॉड, बॉटल गॉड, बॉटल डॉल। क्या? बॉटल डॉल, बॉटल डॉल। अरे बॉटल गॉड, गॉड, बॉटल गॉड, गॉड। ये सब्जियां कब रब होने लगी भाई? जी ओ यू आर डी, गॉड। सो गाइस, यू नो व्हाट, देयर आर लॉट्स ऑफ रूमर्स अबाउट सेलिब्रिटीज एंड स्टार्स। आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म, इज इट ट्रू और फॉल्स? ओके करीना, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं कि अफवाह ये है मार्केट में कि तैमूर सिर्फ नवाब ही नहीं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी हैं, तो जब आपको उसको घुमाने ले जाना होता है तो आपको उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। इज इट ट्रू? अपने ही बच्चे मुझे उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। यस, बिकॉज़ ही इज सो बिजी, बिजी डूइंग इंटरेक्टिंग विद मीडियाज, यू नो व्हाट। तो ये अफवाह है कि नहीं है? ये रबिश है, ये रबिश पीपल यू। गुड, यस रबिश। तो अक्षय पाजी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको जब किसी अपने यार दोस्त को मिलना होता है आप उसको फिल्म में कास्ट कर लेते हैं, क्योंकि छुट्टी लेके मिलने जाने में आपका नुकसान काफी हो जाता है। तो आप उसको फिल्म में कोई ना कोई रोल देते हैं, इसी बहाने मुलाकात होती रहती है। दो चार बार तो मैंने भी देखा आपके दोस्त हमारे शो में आते हैं। वो क्या आए हुए हैं? देख आए हुए, वो क्या? हेलो, वेलकम सर, वेलकम। तो ऑलमोस्ट ट्रू है ये। ओके दिलजीत पाजी, अफवाह ये है कि करण जौहर साहब को स्टाइलिश जूते इतने पसंद हैं कि उन्हें इंप्रेस करने के लिए आपने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पे 80,000 के जूते पहने थे। नहीं, उनको इंप्रेस करने के लिए नहीं पहने थे, लेकिन पर लेकिन पहने थे। तो 80,000 के थे। ट्रू ट्रू ट्रू, हाँ ट्रू। वाओ, तो आधी अफवाह सही है आधी गलत है। ओके यार, क्या रहा ये, मैं अफवाह में बिलीव नहीं करता हूँ। अफवाह ये है कि आपको करीना का पू करेक्टर इतना पसंद आया कि आपने एक सीन में पू भी किया। ट्रेलर में है ना? हाँ, तो वो तो सच्ची है, ट्रेलर में देखा ही हमने। How dare you? ओके दिलजीत पाजी, अफवाह ये है कि शूटिंग के दौरान आपने अक्षय पाजी से खेल खेल में इतनी शर्तें लगाई कि शूटिंग की आपको जो फिल्म की पेमेंट मिली वो तो सारी आप हार ही गए, उल्टा 3500 रुपया जेब से गया आपका। आप कुछ 4,000 देना है। पाजी आप इतनी शर्तें लगा लेते हो खेल खेल में, हर जगह से पैसे चाहिए। उसमें क्या प्रॉब्लम, क्या है यार? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पाजी तू कौन सा फ्री कर रहा है यहाँ शो? नहीं हाँ, मतलब ये नहीं कि मैं शो पे भी आया हूँ वहां से भी लूँ और इधर आके इनसे शर्त भी लगा के इनके भी छीन लूँ, ऐसा नहीं है। ओके कह रहा, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी मम्मी ने आपको 10th स्टैंडर्ड के बाद बॉयफ्रेंड बनाने की परमिशन दे दी थी, इज इट ट्रू?
मेरी मम्मी ने तो शादी के बाद भी दी हुई परमिशन, कहती है थोड़ा बहुत, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में मेरा एक बॉयफ्रेंड था और मम्मी ने कहा क्योंकि अभी मैं 10th स्टैंडर्ड में हूं मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना, cuz your board exams and all start. I said you can't have a boyfriend in the 10th standard. After the 10th standard you can do whatever you want. पर इसलिए कहा था ताकि मैं पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दूं. ध्यान दिया? हां. अरे वो बॉयफ्रेंड नहीं, पढ़ाई पे. हां उसी पे. अक्षय भाजी एक और अफवाह है कि आपका घर जो है फर्स्ट फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर पे आपका ऑफिस है और सेकंड फ्लोर पे आपका पर्सनल बैंक है. अच्छा करीना, आपके बारे में ये अफवाह है कि इंडस्ट्री की गॉसिप्स लेने के लिए आपका एक ग्रुप है जिसकी चेयरपर्सन आप है. हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं, प्लीज दिखाइए जरा. सुपोज अगर आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, अच्छा तो आपको हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो कुछ एक्टर्स हैं उनको उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से मिनिस्ट्रीज देनी है, उनको डिपार्टमेंट देने हैं. आप भी आप काजोल जी की हेल्प ले सकते हैं. गॉसिप मिनिस्ट्री करीना कपूर. क्या है कि उनका जो घर है ना वो एपिसेंटर है गॉसिप का. तो सुबह सुबह वो उठती हैं और क्या खबर लाए हो कि कुछ 10 कॉल जाते हैं और हर डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के पास जाते हैं. उनका उनको खबर मिल जाता है, फिर जो उनको पता है उनको कॉन्फर्मेशन की जरूरत है, फिर वो मुझे फोन करती है कि इज दिस ट्रू. तो फिर मैं अपने हिसाब से अगर मुझे बोलना हो तो बोल देता हूँ, वरना हम फोन पे डिस्कस कर लेते हैं. तो एक बहुत एक ऑर्गेनिक सा एक प्रोसेस होता है. करण जो क्या है ये यार, प्रोड्यूसर देख लो करीना. पर उन्होंने खुद कहा है कि कॉन्फर्मेशन करण जोहर के यहाँ से आता है, एपिसेंटर तो करण जोहर है. नो बट आई एग्री विद करण. यू एग्री विद करण या एग्री विद मी? व्हाट रबिश, आई डोंट नो ये कहाँ से आया है. बहुत बहुत गलत नहीं, इंडस्ट्री से आया है. बहुत गलत नहीं. पर हाउ डू पीपल नो कि सुबह उठ के मैं क्या करती हूँ? बता तो रहे हैं, फोन तो हम ही को आता है ना. वेल आई डोंट वांट टू से मैं सुबह उठ के क्या करती हूँ, तो रहने दो. आपके बच्चे के तैमूर जी के एक नैनी भी होगी ना. हम खाली आपसे कह रहे हैं वो नैनी की ना कभी आप बात मत टालिएगा. क्यों? क्योंकि बात आप टालेंगे ना तो नैनी टाल हो जाएगी. हमारा बहुत ही अजीब सा जोक था लेकिन थोड़ा माहौल बनता है. अक्षय कुमार जी, हम आपके इतने बड़े फैन हैं, आपकी पिक्चर आ रही है गुड न्यूज. हाँ. आप यकीन नहीं करेंगे, आपकी गुड न्यूज के अंदर ना हम दो पिक्चरें देख लेंगे आपकी. कौन सी दो? कैसे कैसे? गुड न्यूज तो हम देखेंगे, फिर गुड न्यूज में बेबी होगा तो हम बेबी भी देख लेंगे. आपकी फिल्म है बेबी. और इंटरवल में हम आपके एक और फिल्म देख लेंगे. कौन सी? टॉयलेट. वहां तो जाएंगे ना हम. तो भाई आपके फैंस के कुछ सवाल हैं. तो ये बिजनौर से सुनीता पूछ रही हैं कि आप टूथब्रश करने में कितना टाइम लगाते हैं? चले जाते हैं करीबन 1-1.5 मिनट दिन में 3 बार. दिन में 3 बार. तो सुनीता जी आपका सवाल हमने पूछ लिया. 3-4 बार करना ही पड़ता है भाई. जी बिल्कुल. और उसके ऊपर से च्युइंगम वगैरह भी, क्योंकि हीरोइनों के साथ काम करना पड़ता है. इनके कांदी की स्मेल, अदरक की खुशबू, बिरयानी की खुशबू उनके. और फिर और सुबह सुबह को ऐसा लगता है कि जो रात को अंदर गया उसे बेहोश होके गिर जाता है. मुंबई से तावड़े का सवाल है. तावड़े का? बड़े ताव में तावड़े साहब जो सवाल कर रहे हैं. तो तावड़े साहब ये बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आप जो भी ट्विटर या इंस्टा पे लिखते हो वो खुद लिखते हो या आपने कोई आदमी रखा हुआ है? नहीं, खुद लिखता हूँ. खुद लिखता हूँ. लेकिन अब क्या हो गया, खुद लिखता हूँ फिर वो वेरिफिकेशन के लिए जाता है हमारे लॉयर्स वॉयस के पास, उसके बाद. अच्छा. और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी. रोहतक हरियाणा से गीता पूछ रही हैं कि आप जिम में कितना टाइम लगाते हो? 2.5-3 घंटे चले जाते हैं. और एक्चुअली जिम का वो इतना नहीं कि आप कितना टाइम जिम में बिताएं, इज यू नीड टू बी दैट मच मोर डिसिप्लिन आउटसाइड द जिम. जिम आजकल जिम नहीं है, जिम के बाहर जो खाना पीना जो अंदर जाता है, डाइट वगैरह और हाउ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दैट इज द मोस्ट की थिंग. भाई मैंने जब भी कभी आपको खाना खाते हुए देखा है
मैंने देखा आपके घर से काफी सारा खाना आता है, कोई 50-60 आदमियों का जी। तो मुझे डाइटिंग वाला तो कुछ सामान दिखता नहीं उसमें कोई। हाँ लेकिन मैं खाता हूँ, लेकिन वो वहाँ से करेक्ट करेक्ट चीज ही खाता हूँ। सो आई ईट एवरीथिंग, बट मेरे से वो रात का प्रॉब्लम है कि रात को मैं मीठा वीठा खा लेता हूँ। When I feel really hungry, so I wake up in the middle of the night, open the fridge, फिर वहाँ पर जो जो cheese है, yogurt है, ये है वो है, I just feel that there's somebody else inside me asking to eat. कोई है मेरे में, कोई जिन में है? कपिल में भी ऐसा जिन है। भाई मेरे साथ कभी कभी होता है कि सारा वाला दिन हल्का हल्का खाते रहो, कुछ ना कुछ ब्लैक कॉफी है वो, कि पूरा रात को पता नहीं क्या, फिर वो ड्रिंक्स के साथ चकना, उसके बाद फिर नहीं, वो नहीं, वो नहीं। भाई फिर अक्की फर्क पहनता है और ला यार कल देख लेंगे भाई। वैसे मैं ये आप सरप्राइज होंगे कि मैं वैसे पीता नहीं आजकल। कैसे पीते हो फिर? नहीं 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 मैं भाई मैं शादी के बाद छोड़ दिया सब। अरे ये इधर दिखाई दे रहा है, इधर दिख रहा है क्या? इधर दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा दबाव दूं तो निकल आएगी विस्की। पर मैंने सीरियसली बंद कर दी भाई। अब कपल की शादी वादी भी हो गई ना। हाँ। मैंने सीरियसली मम्मी बैठी, मम्मी बताओ अभी मैं पीता हूँ देखा। हाँ ना, ना, हाँ कभी नहीं कभी नहीं। भाई नागपुर से बबीता जी पूछ रही हैं। बबीता जी ये पूछ रही है कि बेड पे जब आप लेट जाते हैं तो लेटने के कितनी देर बाद आपको नींद आती है? बेड पे नींद आती ही नहीं, थका हुआ होता हूँ, सो जाऊं भी जैसे सर तकिए से टकराता हूँ जाग जाता हूँ। फिर आता हूँ टीवी देखता हूँ, न्यूज देखता हूँ, फिर काउच के ऊपर ऐसे आड़े थे, दिखा दूं मैं कैसे सोता हूँ। दिखा दूं ये 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 है। तो इवन वेयर आई गो फाइव स्टार होटल्स वगैरह भी है ना, आई डोंट इवन सी द बेडरूम। हां आई स्लीप इन द काउच। पर सोफा पे कैसे भाई, यहाँ पे तो एक ही आदमी की जगह होती है। आई मीन इसलिए तो वहां पे सोता हूं। इनके पति भी वही करते होंगे। तुम भी वही करोगे। लास्ट सवाल है भाई, जयपुर से पुष्पा जी पूछ रही है। पुष्पा आई हेट यू। कह रही है कि आपका सपना तो हर लड़की देखती है, आपके सपने में कभी कोई एक्ट्रेस आई है कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में? पर सपने में क्यों आए? अरे कल मुझे एक भैया, एक ही बहुत ही, ये आज सुबह की बात है जी, तो हम लोग रहते थे ओल्ड कांतवाड़ी में और वो जॉगर्स पार्क के पास है वो जी। तो आई ड्रीम्ड कि मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ और एक पुराना घर था जो कि हमारे नेबर्स थे वो, और वहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। सो आई गो वॉकिंग देयर, इतना इतना पानी है, ग्रीन मडी वाटर है। आई गो वॉकिंग देयर एंड आई सी सम स्नेक्स कमिंग आउट। ओह गॉड। तो सांप आ रहे बाहर, तो मुझे बोलते हैं कि हम यहाँ पर करीबन 150-200 हैं। सांप बोलते हैं? हाँ 150-200 सांप है, आप हमको यहाँ से लेके जाओ किसी जंगल में छोड़ दो और ये जमीन ये आपके पास आ जाएगी। ये सुबह की बात है। तो अच्छा। शूटिंग जाने से पहले मैं वहां पे गया हूँ, पूरी 12 माली की बिल्डिंग खड़ी हुई। अरे सांप झूठ बोल गया मुझे सपने में। भाई आपको पता है अफवाहें बड़ी उड़ती हैं स्टार्स को लेके, तो कुछ अफवाहें हैं जो जनता में इस समय फैल रही हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो सही है कि नहीं। भाई एक अफवाह ये कि आपने इंडस्ट्री में इतने लोगों को ब्रेक दिया है कि सरकार ने आपको रोजगार योजना का अम्बेसडर बनाने का सोचा है। इज इट ट्रू? मिक्स रिएक्शन है। सोनाक्षी आपके बारे में एक अफवाह है कि यूपी के बलिया में आपका एक फैन क्लब है, वो आपका इतना तगड़ा फैन है कि उनको छींक भी आती है तो अच्छी नहीं सोनाक्षी करते हैं। इज इट ट्रू? इट्स ट्रू। इट्स ट्रू? इट्स ट्रू। ओके। भाई आपके बारे में फायदा कि आप हमेशा वजन घटाते बढ़ाते रहते हो, इसलिए आप इलास्टिक वाली पैंट पहनते हो ताकि वो हमेशा काम आ जाए। ट्रू। वेरी ट्रू। यस। तो ये अफवाह बिल्कुल सच है देवी और सजनों। ये आप अफवाह बता रहे हो कि आइडिया दे रहे हो? ये व्हाटएवर।
सोनाक्षी एक अफवाह है कि जब आप ताश खेलती हैं तो दो बादशाह के साथ अपने पापा की फोटो दिखा के बोलती है मेरे पास तीन बादशाह हैं क्योंकि आपके पापा ने कहा तीसरे बादशाह हम हैं। करेक्ट। बिल्कुल सही अफवाह निकली है ये। सही, आपकी भी एक अफवाह है। देखो अफवाह बनाने वाले कितने तेज हैं। अभी आपकी फिल्म रिलीज होनी है, आपकी अफवाहें पहली आ गई। मैं नहीं फैली अफवाह, पहले तो अफवाह ये है कि आप असल में फैन जो है वरुण धवन की हैं, लेकिन फिल्म में ब्रेक लेने के लिए आप सलमान खान की फैन बन गए। नहीं बे, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। हाँ नहीं, ये नहीं, वरुण धवन की भी फैन हूँ। अच्छा। हाँ देखा, अफवाह मिक्स है थोड़ी। सोनाक्षी आपके बारे में अफवाह है कि आपको जब कोई स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती तो सुनते सुनते आप सो जाती हैं और बाद में उठ के सामने वाले को बोलती हैं कि मैं करेक्टर के बारे में डीप थिंकिंग कर रही थी। ये मेरे साथ होता है। एक्चुअली नरेशन के वक्त होता है। अरे बहुत नींद आती है, बहुत नींद। दो घंटे के लिए लोग नरेट करते जाते करते जाते। अच्छा, उनको दिखता भी है कि ये गया अच्छा, रुकते भी नहीं। सॉरी, मैं सो नहीं जाती हूँ, बट मैं जो करती हूँ वो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहती क्योंकि फिर मैं उसे यूज नहीं कर पाऊंगी वापस से, लोगों को पता चल जाएगा। सडनली सिर दर्द होने लगता है, पेट दर्द। सही, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप अंबानी स्कूल में इसलिए पढ़ी क्योंकि आपको पता है वहाँ पढ़ने वाले 12th करने से पहले फिल्म स्टार बन जाते हैं। पर मैं अंबानी स्कूल में पढ़ी ही नहीं। वही तो अफवाह है, यही भी तो अफवाह। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.